पत्थर तो पड़ेगा। एक कंपनी का एक बड़ा अधिकारी अपनी चमचमाती नई जगुआर कार में अपने दफ्तर से अपने घर जा रहा था। वो तेज गति में कार चलाते हुए उस नई और महंगी कार की सवारी का आनंद ले रहा था। सड़क पर एक स्थान पर अचानक उसने देखा कि एक छोटा लड़का दौड़ता हुआ सड़क की तरफ आया। इससे पहले कि वो अफसर कुछ समझ सकता, उस लड़के ने एक पत्थर उसकी कार की तरफ उछाल दिया। पत्थर आकर उसकी नई कार के दाएं दरवाजे पर लगा। उसने तुरंत ही कार को रोका और कार से उतरकर उस छोटे लड़के के पीछे दौड़ा। कुछ ही दूरी पर उसने उस लड़के को पकड़ लिया। उसने कहा, ये सब क्या था? तुमने मेरी कार पर पत्थर क्यों मारा? लड़का बहुत घबरा गया, पर उसने बहुत ही शांत स्वर में कहा, सर मुझे माफ कर दीजिए, मुझे और कोई रास्ता ही नहीं सूझा। कोई भी मुझे सहयोग करने के लिए कार रोक नहीं रहा था, इसलिए मुझे आपकी कार पर वो पत्थर मारना पड़ा। उस लड़के की आंखों से आंसू झड़ने लगे। उसने वहां खड़ी हुई कारों की तरफ संकेत किया और कहा, मेरा भाई वहां पड़ा है, वो अपनी पहियों वाली कुर्सी से गिर गया है और वहां जमीन पर पड़ा हुआ है। मैं उसको उठाकर उसकी व्हीलचेयर पर नहीं रख सकता, मेरा भाई बुरी तरह घायल हो गया है। जब वो लड़का रोने लगा तो कंपनी के उस अधिकारी का दिल पसीज गया और उसने लड़के के सर पर हाथ रख दिया। उस लड़के ने कहा, क्या आप मेरे भाई को उसकी पहियों वाली कुर्सी पर बैठाने में मुझे सहयोग करेंगे? मेरा भाई बहुत भारी है और मैं उसको उठाकर उसकी कुर्सी पर नहीं बिठा सकता। उस बच्चे की कहानी ने उस युवा अधिकारी के मन को छू लिया। वो तुरंत ही उस लड़के के साथ उस स्थान पर गया जहां उसका भाई जमीन पर पड़ा था। उसकी व्हीलचेयर उसके पास ही उल्टी पड़ी थी। उस व्यक्ति ने लड़के के भाई को फिर से कुर्सी पर बैठा लिया। उसने दोनों को पास के एक स्टोर में ले जाकर कुछ दवाइयां भी दिलवा दी और कुछ खाने को भी दिलवा दिया। जब वो अपनी कार की तरफ जाने लगा, उस छोटे लड़के ने कहा, भगवान आपको इसका फल देंगे, हम दोनों आपके बहुत आभारी हैं। उस युवा अधिकारी के मुंह में शब्द ही नहीं थे। छोटा लड़का अपने भाई की व्हीलचेयर को धकेलता हुआ दूर होता चला गया। अधिकारी धीरे धीरे अपनी कार चलाकर अपने घर पहुंच गया। जब उसने कार से बाहर आकर देखा, उसने पाया कि कार के दरवाजे पर एक गड्ढा बन गया था और रंग भी खराब हो गया था। उसने दाग को ऐसे ही छोड़ दिया। उसने उसको मरम्मत करवाकर फिर से रंग कराने की कोई आवश्यकता नहीं समझी। कार के दरवाजे का वो दाग उसको याद दिलाता रहा, जिंदगी में इतना तेज मत चलो कि किसी को आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए पत्थर उछालना पड़े। मित्रों, जिंदगी हमारी आत्माओं में बहुत मंद मंद संदेश देती रहती है और हमारे दिल में झांकने की कोशिश करती रहती है। कभी कभी हम जिंदगी की इन मंद मंद आवाजों को नहीं सुनते हैं। ऐसी अवस्था में ही जिंदगी हमारी तरफ पत्थर उछाल देती है। बस अभी हम लोगों को सोचना है कि हमको जिंदगी की मंद मंद आवाजों को समय रहते ही सुन लेना चाहिए या फिर किसी पत्थर का इंतजार करना चाहिए।